नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम यूपी जौनपुर के बदलापुर में हैं और हमारे साथ विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह जी हैं। और आपको बता दें कि लोकसभा प्रत्याशी हैं और चुनावी अगर रणनीति की बात करें, जौनपुर का जो समीकरण है वो कहीं कहीं बदलते हुए नज़र आ रहा है। लोग ये कयास लगा रहे हैं कि आखिरकार यहाँ से लोग सांसद किसे बना रहे हैं। हमारे साथ हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ मुद्दे हैं समाज में जो लेकर जा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीजी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और आपने मुझे यहाँ पे आए और बुलाने पे इनके डॉक्टर साहब के, हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, इनके दवा खाने आ पाए। हमारे कुछ यहाँ पे बूथ के एजेंट हैं, हम बूथ के एजेंट बनाने का काम कर रहे हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा सारा बूथ तैयार हो चुका है, हम पूरी तरह से लड़ाई में हैं। इसमें समाज विकास क्रांति पार्टी की मैंने स्थापना नवंबर 2023 जो गया, हम दो साल से कर रहे थे तभी रजिस्ट्रेशन मिला, और मुझे चुनाव चिन्ह गन्ना किसान मिला हुआ है इस प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में। तो 25 प्रदेश में ऐसे गन्ना किसान हमारा चल रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब, ऐसे प्रदेश में हमारा गन्ना किसान है। और साउथ के जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, ऐसे प्रदेश में हमारा इलेक्ट्रिक पोल मिला हुआ है। तो 25 प्रदेश में जिसमें उत्तर प्रदेश शामिल है, हमारा गन्ना किसान मिला हुआ है। किसान का बेटा होके गन्ना किसान लेके मैदान में आया हूँ। 73 लोकसभा का मैं प्रत्याशी हूँ अपनी ही पार्टी का। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ समाज विकास क्रांति पार्टी का, और अब तक हमने 26 सीटों की घोषणा भी की है। उत्तर प्रदेश के 80 सीटों में कितनी सीटें आप लड़ा रहे हैं? हम 125 सीटें पूरे देश में लड़ा रहे हैं, कम से कम 50-60 सीटें हम उत्तर प्रदेश में लड़ा रहे हैं। अभी तक हमने बनारस की सीट पे कैंडिडेट दिया है, जौनपुर से मैं खुद हूँ, मछली शहर का कैंडिडेट दिया है, भदोही का दिया है, सुल्तानपुर का दिया है, प्रतापगढ़ का दिया है, गाजीपुर का दिया है, चंदौली का दिया है। यहाँ हमारे कैंडिडेट खड़े हो चुके हैं, बाकी 2-3 दिन में और घोषणा कर रहा हूँ। 125 सीटों पर मैं चुनाव लड़ाने के लिए जा रहा हूँ, उम्मीदवार खड़े किए हूँ। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, इस बार न 2014 का ज़माना है, न 2019 का ज़माना है, न NDA की सरकार बनेगी, न इंडिया के गठबंधन की सरकार बनेगी। समाज विकास क्रांति पार्टी मजबूर करेगी, बिना उसके कोई सरकार नहीं बनाएगा, ये मेरा दावा है। मैं आपको चीज़ें बताना चाहूँगा कि ये जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी, वो कहती है हमने 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम किया है। समाज विकास क्रांति पार्टी कहती है कि हमारी सत्ता जब आएगी, समाज विकास क्रांति पार्टी की सब सरकार आएगी इस देश में, तो 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेगी, किसी को भीख देने का काम नहीं करेगी, किसी को अपंग बनाने का काम नहीं करेगी, वो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेगी। तो हमारा नारा है महिलाओं का सम्मान करना, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाना, रोजगार देना, जौनपुर में कल कारखाने लाना, जौनपुर में खेल मैदान लाना जो इंडिया लेवल पे हो, जौनपुर में ओवरब्रिज बनाना, जौनपुर का विकास करूँगा तो पूरे देश का विकास होगा, क्योंकि मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ। अगर ऐसे में बात किया जाए, पूरे उत्तर प्रदेश में ये चर्चा चल रही है कि सपा और बीजेपी के जो पक्ष विपक्ष, मतलब दोनों में बहुत टक्कर की लड़ाई, ऐसे में यहाँ पर आप अपने आप को कितना सफल मानते हैं? मैं 2019 में चुनाव लड़ चुका हूँ निर्दल चुनाव के रूप में, मुझे पता है। मैंने आपको कहा तब मेरे बूथ तैयार नहीं थे, आज हमारे बूथ तैयार हैं। 1768 से ज़्यादा बूथ हैं इस लोकसभा में। हम तो पूरे जौनपुर जिले का, मछली शहर का भी बूथ हमारा तैयार है। हम दावा के साथ कह रहे हैं, हम जो आए हैं मिलने के लिए, हम बूथ के पदाधिकारी, हम किसी विधानसभा जिले के पदाधिकारी से नहीं मिल रहे, बूथ के पदाधिकारी से मिल रहे हैं जिनके हाथ में वोट होता है। हर बूथ पे हमारा 150 से 200 वोट है हमारा, यहाँ पे हम उनके लिए आए हैं, वही हमारे लिए भगवान हैं, क्योंकि बूथ के जो पदाधिकारी हैं, बूथ के एजेंट हैं, वो हमारे लिए ईश्वर हैं। हम उनको सल्यूट करने के लिए हैं, उनको सलाम करने के लिए हैं, उनके बलबूते पर हम चुनाव जीत रहे हैं। हम 500 गाड़ियों का काफिला निकाल के नहीं आए हैं, हम हवाई जहाज़ से सफ़र करने के लिए नहीं आए हैं, हम हेलीकॉप्टर उतारने का काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन सब से वोट नहीं मिलता है। हमारे जो बूथ के एजेंट हमारे साथ खड़े हुए हैं, यही हमारे रीढ़ की हड्डी है, यही हमारे पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं, यही हैं जो सांसद बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, इन्हीं के बलबूते पर हम चुनाव जीत रहे हैं। और दावे के साथ कह रहा हूँ, बीजेपी यहाँ से हवा हो जाएगी। जनता के बीच मुद्दा क्या क्या लेके जा रहे हैं, क्या क्या, अगर आप यहाँ के सांसद बन गए तो सबसे पहला विकास क्या होगा, क्या क्या करेंगे जौनपुर?
हमने कहा ना कि यहाँ पे हॉस्पिटल की दुर्व्यवस्था है, जो सरकारी अस्पताल हैं वो रेफर कर देते हैं BHU में या बॉम्बे या कहीं और कर देते हैं, लेकिन वो समस्याओं को दूर करने का काम करेगी समाज विकास क्रांति पार्टी जब हम जीत के आएंगे। यहाँ पे ट्रैफिक की बड़ी समस्या है, यहाँ पे हाईवे तो बना रहे हैं वो, लेकिन लोगों तक वहाँ तक पहुँचाने के लिए, लोगों के घरों तक पहुँचाने के लिए इन ये रोड नहीं बनवा रहे हैं, वो बनवाने का काम करूँगा, ओवरब्रिज बनवाने का काम करूँगा मैं, खेल का मैदान इसमें इस जौनपुर ज़िले में लाने का काम करूँगा, जौनपुर का विकास करूँगा, और जब जौनपुर का विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा। क्या कहना चाहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक हमारे साथ हमारे देश में 1952 से चुनाव हो रहे हैं, और 1952 से चुनाव के बाद अभी तक जितनी पार्टियां चाहे बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, सब ने जनता को छलने का काम किया है, एक प्रकार से कहिए ठगने का काम किया है। और जो बेरोजगारी की बात है, बेरोजगारी तो इस चरम सीमा पर पहुँच गई है कि लोगों को मांगने पर भीख नहीं कोई देने वाला है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतने रोजगार देंगे, 1 करोड़ युवाओं का रोजगार जो है अभी तक पूरे भारत के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा नहीं की। तो क्या लगता है समाज विकास पार्टी जिस हिसाब से काम कर रही है इन सारी पार्टियों में कितना सफल मान रहे हैं अपने आप? समाज विकास पार्टी को बहुत ज़्यादा तभी सफल, हमारा बूथ गठन हो जाए पूरा सफलता में हमें 50% की सफलता मिलेगी। हाँ, मैं चाहता हूँ कि माननीय अशोक जी हमारे सांसद बने जौनपुर के, और पूरे जौनपुर के विकास करें, और पूरे देश में ये जौनपुर का सौभाग्य है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ आप खड़े हैं और इंटरव्यू कर रहे हैं, चाहे वो मायावती जी हों, चाहे वो हमारे नितिन गडकरी JP नड्डा जी हों, चाहे योगी आदित्यनाथ हों, चाहे राजनाथ सिंह हों, चाहे संजय निषाद हों, चाहे मुकेश सहनी हों, चाहे RED के तेजस्वी यादव हों, चाहे लालू हों, चाहे ममता बनर्जी हों, कोई नेता इस ढंग से आके डिबेट नहीं करेगा यहाँ जौनपुर के बदलापुर की धरती। लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ से BJP कैंडिडेट कृपा शंकर सिंह चुनाव जीत रहे हैं, लोगों में ऐसा समाज में चल रहा है, कैसे आप कह रहे हैं? BJP तो वाशिंग मशीन है यार, कि चाहे जितने लोग कचड़े में जब चले जाए उस मशीन के घुस जाए, नहा के चले जाएंगे धो के, उसमें क्या मतलब है? BJP वाले तो कौन से दूध के धुले हैं, उनकी चेक हो जाए प्रॉपर्टी, और इनकी प्रॉपर्टी चूका है, जमीन आसमान का अंतर है। तो आप ये देख सकते हैं और हमारे शिक्षा के मामले में मामले में क्या विकास करेंगे? शिक्षा के मामले में तो मतलब सबसे पहले हमारे भारत की शिक्षा के, जैसे ही मोदी जी हमारे माननीय सरकार बनी, पहले हमारे देश में 13-13 बोर्ड बनते थे, चलते थे, MBBS के, PMT, CPMT, AIIMS चलते थे, PVT तमाम बोर्ड होती थी, कोई बच्चा इसमें नहीं पास हुआ तो उसमें हो गया, उसमें नहीं तो उसमें हो गया। लेकिन मोदी जी बनते ही इंडिया को कंट्रोल कर दिया, धीरू भाई अंबानी की तरह इंडिया को मुट्ठी में कर लो, नीट परीक्षा की है, वही परीक्षा IAS का लड़का बेटा देता है, वही परीक्षा एक प्राइमरी के भी का लड़का देता है, वही परीक्षा एक जो है बेरोजगार का बेटा देता है, जिसकी नाक चूती है ऐसे पीठ में पहुँचता है, वो भी वही नीट दे रहा है। अब बताएं आप प्राइवेट में जो है 15 लाख रुपये पर ईयर की फीस हो गई है, कहाँ से उसका बच्चा MBBS करेगा, कैसे डॉक्टर इंजीनियर बनाएगा, कैसे IIT करेगा वो? यहाँ तो सरेआम गरीबों का गला घोंट के दबाया जा रहा है, हिटलर तानाशाही हो रही है इस सरकार में, बाकी और तानाशाही के अलावा कुछ नहीं है। और बाकी सब सही है? बाकी तो सही नहीं है, अभी बहुत कुछ बाकी है। कुछ पार्टी के नेता तो ऐसे मंदिर में जैसे अगरबत्ती सुलगाते हैं, मंदिर की अगरबत्ती सुलगा कर जिसको 10 रुपये के कच्छे खरीदने के औकात नहीं है, 1 रुपये का मसाला खरीदने के औकात नहीं है, उस पार्टी के कुछ नेता ऐसे हैं जो अगर बत्ती सुलगा कर 1500 रुपये जनता का ठग ले रहे हैं। और हमारे तो आप, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अभी तक जितने भी पार्टी आई हैं सबने 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये का चंदा लिया है, इन्होंने चंदा बनाने के लिए 1 रुपये की रसीद किसी से नहीं काटा है, ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष आप नहीं पाओगे इस जौनपुर की धरती पे। अभी नहीं काट रहे हैं ना, हो सकता है कि बाद में? बिल्कुल नहीं काटेंगे, काटेगा तो जिसके पास खाने की कमी होती है। अच्छा, चलिए ठीक है, चलिए। हाँ, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरिशंकर यादव है जी। मैं महाराष्ट्र से उत्तर मुंबई से पश्चिम कैंडिडेट हूँ, मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहाँ से चुनाव के लिए घोषित किया है। मैंने ये देखा यहाँ जौनपुर में, जौनपुर में कोई चुनाव नहीं जीतेगा 73 में, यह इतिहास लिखने जा रहे हैं। अशोक सिंह जी चुनाव जीतेंगे 73 में, इन्होंने 2009 से राजनीति कर रहे हैं सर, वो चुनाव लड़े हैं और चुनाव नहीं लगता है कि बहुत कम समय में चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं? नहीं, चुनाव एकदम नजदीक है, पहले से लगना चाहिए था। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है सर, चुनाव लड़े हैं आपके यहाँ लोकसभा में लड़े हैं, सिर्फ सर मेरा चुनाव चिन्ह गन्ना किसान है, सबसे पहले आप लोग जान लें, गन्ना किसान पुराना नहीं है, गन्ना किसान किसानों का चुनाव चिन्ह है, उन माताओं का चुनाव चिन्ह है, बहनों का चुनाव
दोनों मेरे भाइयों का चुनाव चिन्ह है। मैं इसलिए इतिहास लिखने जा रहा हूँ, मैं बूथ लेवल पे काम कर रहा हूँ और बूथपुर से एकदम चुनाव लीड कर रहे हैं। चुनाव हम लीड कर रहे हैं, हमारे मैं इतिहास में इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास गवाह रहेगा। चुनाव हम जीत रहे हैं, हम हराएंगे, हम बीजेपी को हराएंगे। बीजेपी को हराने के लिए बिल्कुल हराने के लिए आए हैं, हराएंगे हम किसी को, हम चुनाव जीत रहे हैं। चलिए आप ये देख सकते हैं, हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे और हम लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार सांसद बनने के बाद जौनपुर में क्या क्या कुछ विकास होगा। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।